छात्रों को भविष्य में आने वाली समस्याओं से रूबरू कराने के लिए देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एचआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिष्ठित कंपनियों से विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने छात्रों को बताया कि नौकरी के लिए भविष्य में आने वाली चुनौतियां क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। छात्रों के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य को तराशने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में रखा गया, जिसमें देश विदेश की जानी मानी कंपनी के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इन विशेषज्ञों ने छात्रों के भविष्य में कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में आने वाली नई चुनौतियों से रूबरू करवाया और उनसे निपटने के लिए आवश्यक बारीकियों पर भी चर्चा की। इन्फोसिस, हिताची, यूसेन लॉजिस्टिक जैसी कंपनियों के वैज्ञानिकों का कहना था कि प्रतियोगिता के इस दौर में हर दिन एक नया बदलाव हो रहा है और छात्रों को उसी बदलाव के आधार पर स्वयं को अपडेट रखना चाहिए ताकि उसको नौकरी के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चर्चा के दौरान कंपनी विशेषज्ञों ने छात्रों के सवालों का भी जवाब दिया और उन्हें अपना मुकाम हासिल करने के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों के साथ कुलपति डॉक्टर आर के त्रिपाठी सहित शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। वो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के तत्वावधान से किया जा रहा है देवभूमि यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। इसका मेन उद्देश्य जो है वो यूनिवर्सिटी का जो अपना एक विजन है कि स्टूडेंट्स को क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ आगे लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनाना, भविष्य में इस कंट्री को और इस ग्लोब को एक्सेलेंट टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करना। तो उसके लिए आज हमने करीब 10 कंपनियों के HR मैनेजर्स एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया है, जो अपने एक्सपीरियंसेस और इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, क्योंकि देखिए ये एक सर्वविदित बात रही है पिछले मैं कहूँगी 3 या 4 दशक से, जब मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हुआ करती थी, कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक गैप रहता है। वो गैप इस प्रकार का रहता है क्योंकि ये माना जाता है कि इंडस्ट्री थोड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इंडस्ट्री इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, चाहे वो एक IT इंडस्ट्री है, चाहे वो एक मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की इंडस्ट्री है, चाहे वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बहुत फास्ट पेस्ट से उसमें चेंजेस होते रहते हैं। और अकेडमिया में अनफॉर्चुनेटली आज तक हम उस पेस को पकड़ नहीं पाते हैं, हम थोड़े पीछे रहते हैं, हमारा करिकुलम उतना इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं हो पाता है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने जो डिफरेंट लीडिंग कंपनीज लाइक हिताची एंड GX सॉल्यूशंस एंड इंडिगो कंसल्टेंसी एज वेल एज इन्फोसिस, यहाँ से जो जी स्केलर, यहाँ से जो HR मैनेजर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आए, वो हमें यही बता रहे हैं कि उनकी आज के स्टूडेंट से, एक प्रोफेशनल से, चाहे वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे वो एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, उनसे क्या रिक्वायरमेंट। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी, LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।